तो दोस्तों हम भिंड से चलकर आ चुके हैं अटेर किला देखने। ये भिंड से तकरीबन आपको 35 किलोमीटर दूर पड़ेगा। जी हाँ, इस गांव का नाम भी अटेर ही है और इस किले को भी अटेर किला ही कहा जाता है। इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके द्वार से खून टपकता था पहले, यानी कि जब भदौरिया राजा बदन सिंह ने इसको बनवाया था 1664 सदी में, उस समय कहा जाता है कि इसका एक दरवाज़ा है, खूनी दरवाज़ा, उससे कंटिन्यू खून टपकता था और जो भी गुप्तचर राजा से मिलने जाता था वो पहले अपना कहीं ना कहीं जो खून से खुद को रंगता था, यानी कि टीका लगाता था, उसके बाद ही राजा से मिल पाता था। इसके बारे में ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं। आप देख सकते हो ये किला है, आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये इसका बिल्कुल ऊपर तक का पोर्शन है। ये वैसे ऊपर का जो पोर्शन है वो डैमेज हो चुका है और धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, और यहाँ पर कोई गार्ड जो है एक एंट्री करने के लिए, लेकिन इसकी खासकर देखरेख नहीं है। ये कुछ तहखाना जैसा कुछ है, शायद पता नहीं क्या है, और भारत सरकार के पर्यटन विभाग के अंतर्गत ये आता है। बोर्ड भी बहुत सारी जगहों पर लगा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा इस किले की देखरेख की जाती है, लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है ना। ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये इसका सामने का पोर्शन है, ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ पर गार्ड आपको मिलेंगे, वो आपका आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड से आपकी एंट्री होगी, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। ये यहाँ पर आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, उसके बाद एंट्री के बाद आपको अंदर जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ये सामने जो है उसके निशान अभी भी कह सकते हैं कि आपको नज़र आ जाएंगे, जैसा गूगल पर मौजूद जानकारी है। ये आपको आजू बाजू में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें देखने को मिलेगी, ये ऊपर तक, ये बिल्कुल ऊपर तक आपको, और ये सामने जो है बिल्कुल दरवाजे कह सकते हैं गेट बिल्कुल सही एक ही दिशा में। ये थोड़ा बड़ा गेट है, वो थोड़ा शायद छोटा गेट है इसके आगे का, लेकिन यही दरवाज़ा है जो है कहीं ना कहीं इसको खूनी गेट कहा जाता है। वैसे कुछ कलर जो है, एक तो इसको भी शायद जो फर्स्ट है ये कुछ कलर ऐसे ही है, खून जैसा यहाँ से खून टपकता था, काय का खून टपकता था ये नहीं पता है, ये जानकारी मौजूद नहीं है कि काय का खून टपकता था, लेकिन फिर भी। और ये जो पत्थर, यहाँ पत्थर का इस्तेमाल कम हुआ है, अधिकांश किले में जो पत्थर लगाए गए शायद ये पत्थर ना होते हुए कुछ पत्थर है, लेकिन वो पत्थर नहीं है जो आपको मुरैना साइड के किले में, ग्वालियर के किले में, झांसी के किले में पत्थर जो देखने को मिलेंगे, वो पत्थर आपको इस किले में मौजूद नहीं मिलेंगे। हाँ, ऊपर नक्काशी अच्छी है, आप देख सकते हो ये। उसके बाद ये कुछ इसका सेकंड गेट हमने क्रॉस किया, अब थर्ड इसका गेट है ये वाला, ये मेरा सामने आप जो देख रहे हो ये इसका थर्ड गेट है। इसका जो कलर है इसी के बारे में कहा जाता है, आपको दिख रहा होगा खून जैसा कलर, तो मतलब थोड़ा मैरून कलर है, मैरून कलर हम कह सकते हैं, बिल्कुल रेड नहीं है। लेकिन इसी गेट से, ये जो आप गेट देख रहे हो इसी से खून टपकने की कहानियां प्रचलित है कि 24 घंटे खून टपकता था, और जो खून टपकता था उससे जो गुप्तचर है वो तिलक लगाकर ही राजा से मिलने जा सकता था, नहीं तो मिलने की परमिशन नहीं होती थी, ऐसी जानकारियां मौजूद है। अब ये कहानियां कितनी सच है कितनी गलत है ये हम नहीं कह सकते, ये सिर्फ कहानियां हैं। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस गेट पे आखिरकार ऐसा क्या था कि जो खून टपकता था, किस चीज़ को लटकाया जाता था, किसका खून टपकता था, ऐसा कुछ खास जानकारी मौजूद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जानवर को यहाँ पर जो है लाकर रखा जाता था और उन्हीं को मतलब मार कर, जो कहता है खून टपकने के बाद जो खून टपकता था, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ऐसी कहानियां हैं। अब ये एक बार और मैं आपको गेट दूर से दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये गेट आपको ऐसा दिखेगा, बहुत ऊंचाई है गेट की, ये और फिर छोटे छोटे इस बड़े गेट से फिर छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, मतलब आकार के गेट ना कह सकते, उन्हें आकार डिजाइन कह सकते हैं। और इस पर, इन गेट पर कुछ नक्काशी भी है, ऐसी है कुछ कह सकते गमले जैसा कुछ बना हुआ है, और ये पत्थर लगे हुए हैं रेड कलर के। मैं तो कहूँगा पत्थर जो है वो पट्टियाँ बड़ी बड़ी वो हैं बिल्कुल, लेकिन वो थोड़े से मैरून कलर की हैं, दोनों साइड में लगी हुई है ये। इसके बाद नीचे तो कुछ नहीं, धीरे धीरे कह सकते हैं कि खंडर में तब्दील होता जा रहा है। ये इसका गुंबद है,
जो सबसे ऊपर टॉप पर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि ऊपर गुंबद कैसा है। और ये नीचे कुछ इस तरह से है और ईंटें भी नज़र आ रही है देखिए, पर समझ नहीं आता पहले ईंटें चलती नहीं थी, ये ईंटें कहाँ से लगी होगी यहाँ। देखिए शायद हो सकता है कि पहले इस तरह की बनती हो, लेकिन पहले 16वीं सदी में ईंटें बनना शुरू हुई थी क्या, हो सकता है बनती हो। ये कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पर ये। अब इसके बाद आगे कुछ पोर्शन है ये इतना, ये इधर खंडर हो चुका है जो पड़े हुए हैं, कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे का हिस्सा है इसका ये, और ये इसके अंदर जाने का है। ये इधर से आप घुसते हो, ऐसे गेट भी है, बहुत सारे गेट है ना, तो अगर हम इसके अंदर घुसते तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल अंधेरा है। और लास्ट तक है, उधर लास्ट तक निकल जाओ। और ऐसे कुछ कुछ जगहों पर खंडर भी हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा टाइप है बिल्कुल, है ना। तो अंदर जाकर क्या करें, यहाँ वही हैं जो चिड़िया रहती है ना, जो उल्टी लटकती है, उनकी उनकी गंदगी पड़ी हुई है, जो हर किले में आपको मिल जाएगी। आप किसी भी किले में घूमने जाओगे, आपको वही चिड़ियों की, जो वहाँ पर लोग कम आते आते या फिर जाते, जो उन्होंने अपना घर बना लिया, वही मिलेगी आपको। यहाँ पर ये खंडर हो चुका है, उधर कुछ हिस्सा है वो खंडर हो चुका है, और ये जो ऊपर की हवेली है, कह सकते हैं महल है, ये भी धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है। और जो नीचे से है, नीचे का पोर्शन कुछ ऐसा है ये इसके अंदर क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं है, बस बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, उसमें जाना बेहतर नहीं है। और हम ऊपर जाते हैं ये, यहाँ से इसका लुक ऐसा लगता है, ले सकते हो। एक और गेट है एंट्री का, ये खूनी नहीं है, शायद वो एक या दो ही दरवाजे खूनी थे जहाँ राजा जाते थे, लेकिन मैं जितने भी किले में घुमा हूँ ना यार, एक चीज़ मुझे नहीं मिली, मुझे राजाओं के जो बेडरूम हुआ करते थे ना, वो नज़र नहीं आया कहीं पे। यानी किसी ने बताया नहीं कि राजा यहाँ सोता था, रानी यहाँ रहती थी, है ना। मैंने कई लोगों से पूछने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो राजा रानियों के बेडरूम हुआ होते थे वो कैसे होते थे, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा भैया हमें नहीं पता वो कहाँ सोते थे कहाँ नहीं सोते थे, उनकी कोठियाँ ज़रूर मैंने देखी है, कहाँ देखी वो हमने ओरछा में जाने की कोशिश की थी उनकी कोठियों पर वहाँ पर ये ऐसा कहते थे कि वहाँ सिर्फ नृत्य होते थे, वहाँ राजा सोते होते नहीं थे। खैर उनका बेडरूम तो हम तलाश नहीं पाए शायद, और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ सोते थे कहाँ उठते थे कहाँ बैठते थे, लेकिन हाँ रहते थे इन महलों में ही, तो शायद कोई कक्ष उनका होता होगा स्पेशल कुछ। और ये सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ से आप देखिएगा, ये यहाँ से भी खंडर हो चुका है बिल्कुल। ये आसपास मैं आपको घुमा देता हूँ, यहाँ बिल्कुल ये पेरा कह सकते हैं कि बंद होगा पूरा, एक तरह से दीवारें होगी, लेकिन आप देखिए सारी दीवारें टूट चुकी है धीरे धीरे। ये है ना, वैसे बहुत बड़ा है, और भदूरे राजवंश के राजा बदन सिंह ने इसको 1664 ईस्वी में बनवाया था, ऐसी जानकारियां मौजूद है। और बिल्कुल डैमेज हो गया है, कुछ खंड खंड हो चुके हैं, जिससे हम एक जगह और गए थे, वहाँ पर भी जो 200 मंदिर थे, है ना, वो भी टूट चुके थे। उस जगह का नाम क्या है मैं भूल गया हूँ शायद अभी, ना ये देखिए, ये ना यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। और खूनी दरवाजे का कोई इतिहास जो है वो अपने आप में एक अलग है। ये देखिए, ये अंदर का हिस्सा है इसका, और ये बिल्कुल आसपास का नज़ारा है, और ये सामने जिसका वो गुंबद जैसा बना हुआ है, और सतखंडा कहा जाता है उसको। सतखंडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यहाँ पे सात वो बने ना, क्या बने हुए हैं? सात फ्लोर कहाँ है? ऊपर राजा बैठता था, हाँ। अच्छा, तो ये सतखंडा है, इसके ऊपर राजा बैठता था, राजा सोता कहाँ था?
वही चीज जो मैं पूछता हूँ ना, जो बताते कि यार राजा ये करता था, तो राजा सोता कहाँ था वो बेडरूम मुझे देखना है। जाओ रानी नहाती। अच्छा अच्छा, ये लोकल के हैं, ये पुल था इसमें रानी नहाती थी। अब कुंड है ये, और मुझे नहीं लगता है कि रानी इसमें नहाती होगी इतने से छोटे में। अच्छा अच्छा अच्छा, खाता हूँ वो जगह जहाँ पर नृत्य होता था। और ये कुआ है, सॉरी मैं कुआ दिखाना भूल ही गया, क्या अंदर तक है क्या? अंदर है, पानी है। चलिए, चटका। अरे ऊपर, अरे ऊपर नहीं चढ़ रहा हूँ मैं तो, खुद डरता हूँ भाई। ये कुआ है, इतना सा छोटा सा कुआ होता था, मतलब बहुत, और गहराई में बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऊपर से शायद ये इसका आकार है। जो राजा था वो बैठकर देखता था कि कहाँ कौन आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर बैठने की जगह थी। चलिए अब आपको और घुमा देते हैं इधर, जहाँ देखो नृत्य। तो अब अटेर किले में वहाँ पहुँच चुके, जहाँ पर रानी और जो नर्तकी होती थी वो डांस करती थी। ये जगह बताई जाती है, कुछ स्थानीय भाई है वो बता रहे हैं कि इसी जगह पर रानी और जो नृत्यांगना होती थी वो डांस किया करती थी। ये सामने का पोर्शन है, और ये जो जगह है यहीं पर नृत्य होता था, ऐसा बताया जाता है। ये देख सकते हो आप ये। और आपको कुछ जगह पर दिखा देता हूँ, वैसे ये डैमेज जगह है, यहाँ नीचे पता नहीं क्या कुछ तल घर है या क्या घर है पता नहीं, पर डैमेज हो चुका है ना। इधर भी कुछ शायद बताया जाता है, बच गया थोड़ा, क्या है टूटा हुआ राजा का चूना है, तुम्हें जान रहा है निकाल लेंगे। ये क्या है यार, गुम्बद है ये क्या है? गुम्बद, गुम्बद। अच्छा, वो ऐसा डॉम जैसा गुम्बद है, देखिए नीचे का ये ऊपर वाला, वो समझ गया। चलिए यहाँ पर एक गुफा भी है, वो गुफा भी आपको दिखा देते हैं, जो डायरेक्टली गेट पर निकलती है। ये गुफा है कुछ ऐसी, और इसमें बहुत सारे ये लोकल के लोग जा रहे हैं, बच्चे। ये ऐसी गुफा है और जो डायरेक्टली निकलती है बाहर गेट पे। बहुत अंधेरा है, ये यहाँ से पूरा इतिहास लिखा हुआ अटेर किले का। और ये जो दरवाज़ा है इसको भी खूनी दरवाज़ा कहा जाता है, अब इसका कलर निकल चुका है। ये बिल्कुल वाह। अब यहाँ पर ये गुफा ख़त्म हो चुकी है, वो ऊपर ऊपर ही घूम रहे हैं हम।